हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नई वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस करेंगे KVS PGT कॉमर्स, UP TGT PGT कॉमर्स और बिहार टेट, और जो आपका एसटेट है ना, जो पेपर टू है उस पे जो अकाउंटेंसी जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। ये वीडियो ज़रूर देखिए, लास्ट तक देखिए, सीधा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, MCQ है, तो एक एक एक्सप्लेनेशन और डिटेल के साथ अपन लोग क्या करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है बच्चे, डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी आर, ऐसे डिबेंचर जो केवल डिलीवरी द्वारा किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रजिस्टर्ड, फर्स्ट डिबेंचर, बियरर डिबेंचर, सेकंड डिबेंचर। हिंदी में अगर हम बात करें तो पंजीकृत, प्रथम, वाहक या दूसरे डिबेंचर। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, पढ़ा है, तो आपके लिए इसको आंसर करना बहुत आसान होगा। रजिस्टर्ड में व्यक्ति जो शेयर डिबेंचर होल्डर है उसका नाम होता है। ये तो गया, फर्स्ट डिबेंचर में सबसे पहले पेमेंट किया जाता है, सेकेंड डिबेंचर्स को फर्स्ट डिबेंचर के बाद पेमेंट किया जाता है, तो ये भी गलत हो गए। तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है और उस ऑप्शन का नाम है बियरर डिबेंचर, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाहक डिबेंचर्स। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, द लॉस ऑन सच एन इशू ऑफ डेबिटेड टू, इशू इज डेबिटेड टू। देखिए, पार पर इशू किया है, प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं। 100 रुपये का डिबेंचर है, 120 रुपये हम रीपे करने वाले हैं, 20 रुपये का क्या हो गया? नुकसान हो गया। इसने ये नहीं कहा प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसने कहा है लॉस ऑन सच एन इशू इज डेबिटेड टू। मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रीमियम या तो पार पर, सॉरी, रिडम्पशन या तो पार पर होगा या प्रीमियम पर होगा। पार में कोई चेंज नहीं होता, डिस्काउंट पर रिडम्पशन कर नहीं सकते, तो बच्चा प्रीमियम। और प्रीमियम में हमारी एंट्री बनती है बेटे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। तो अब बताइए डेबिट क्या हो रहा है? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में बी यूटिलाइज्ड फॉर, ये मैंने आपको बताया था कि आप SPR का यूटिलाइजेशन किन-किन चीजों में किया जाता है आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप एक नंबर का क्वेश्चन मिस कर दोगे। मैं आपको लिटरली इस बात को बता रहा हूँ, इसको बहुत सीरियसली लीजिए। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन हमेशा बनता हुआ आया है, तो इसका जो आंसर है वो मैं आपके ऊपर छोड़ दूं। तो चलिए, क्योंकि मैं इसको पहले चैप्टर में काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए, पहला तुरंत कमेंट कीजिए, आगे मत बढ़िए, पॉज कर दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड है, लाइव तो है नहीं, तो रिकॉर्डेड है, पॉज कर दीजिए, पहले आंसर कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। और हाँ, अगर आप वास्तव में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूं कि आप अधिगम मंत्रा के साथ बने रहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना पड़ रहा, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन आपके सामने अवेलेबल है। तो बस आपको केवल और केवल एक ही काम करना है, पढ़ना है, और लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना है कि भाई पढ़ो अधिगम मंत्रा पर, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है। भाई इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और इतना कुछ तो आपको पेड में भी नहीं मिलता, 3-4 महीने में कोर्स करा करके खत्म कर देते हैं, है ना? जो पेड होंगे वो देखते भी होंगे इस चीज को। चलिए, तो फटाफट से चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल में सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो ये बात आप ध्यान में रखें। अकाउंटेंसी का सिलेबस पूरा होने से पहले पहले कम से कम चैनल के 1K+ सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, 1K+।
समझ रहे हो ना, हो जाने चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे होंगे, लेकिन 1K+, ठीक है ना, 1.5K तक सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। कैसे होंगे वो आप देखिए, बट हो जाने चाहिए। AM लिमिटेड इशू डिबेंचर फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 11,90,000, ठीक है भाई, 100 ईच एट प्रीमियम 10%, ठीक है भाई, प्रीमियम 10 रुपये का है तो हमारे लिए तो आसान हो गया, 11,90,000 डिवाइडेड बाय 110 तो कितना आ जाएगा भाई, डिवाइड कर दो, 1 मिनट, 11,90,000 मल्टी डिवाइडेड बाय 110 दैट इज इक्वल टू 10,818 डेसीमल, 1818, 182, कैलकुलेटर पे तो यही आएगा ना, तो 1818 ही कर लो, बाकी तो रहने दो तुम यार। तो अब यहां पर हमें करना क्या होता है, यहां पर हमें बस केवल इतना करना होता है कि आप केवल 10,818 10,808 को कंसिडर कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 और 10,818 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू, जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो 10,818 की मल्टीप्लाई 100 में करी दैट इज इक्वल टू द 10,81,800, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई 10 में करेंगे दैट इज इक्वल टू 1,08,180, और अगर आप इनका सम करेंगे सो दैट इज इक्वल टू 11,89,980। अब आपके पास बैठे अमाउंट कितना है सर, 11,90,000 रुपये, लेकिन आप पेमेंट कितना कर रहे हो, 11,89,000, 11,89,980, तो सर ये जो 20 रुपये हैं इनका क्या होगा, इसको हम डाल देंगे बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा, ये बैंक अकाउंट हमेशा क्रेडिट ही होगा, ये बात ध्यान में रखें, ये वाली अमाउंट ये है। और हमसे क्या पूछा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या अमाउंट होगी, तो 1,08,180 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम दैट कैन बी चार्ज्ड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अनलिमिटेड, डिबेंचर जारी करने पर प्रभारित प्रीमियम की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है, कोई सीमा नहीं हो सकती, कितने पर भी इशू किए जा सकते हैं, है ना। व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, है ना, समझ आ रहा है, डिबेंचर खाते के मोचन पर प्रीमियम की प्रकृति है ना क्या है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, या नन ऑफ दीज है, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाममात्र खाता, कोई नहीं। देखिए अगर आप इसको फिल्टर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रियल अकाउंट एसेट होती है, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन एसेट तो है नहीं, तो ये तो गया, नॉमिनल ये होगा नहीं क्योंकि खर्चे की बात नहीं हो रही है, लॉस की तो बात हो ही नहीं रही है ना, यहाँ प्रीमियम और रिडेम्पशन की बात हो रही है, तो ये लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है, पर्सनल। चलिए आगे आ जाइए, द फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपेयर्स द फॉलोइंग सॉरी द फॉलोइंग जर्नल एंट्री अपेयर्स इन द बुक्स ऑफ AM लिमिटेड, डिवेंचर एप्लीकेशन दिया हुआ है 2,37,500, लॉस ऑन इशू डिवेंचर दिया हुआ है 37,500, 12% डिवेंचर दिया हुआ है 2,50,000, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दिया हुआ है 25,000। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्काउंट वाली अमाउंट। अब मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किसमें इन्वॉल्व होता है, डिस्काउंट हमेशा किस में इन्वॉल्व होता है, लॉस में। तो अगर मैं लॉस में से डिस्काउंट को अलग करूं, तो जैसे 37,500 है, इसमें से प्रीमियम लॉस कितना हो रहा है सर, 25,000 का, है ना, तो कितना बचा सर, 12,500, तो जो 12,500 है ये हमारे लिए क्या बन गया सर, लॉस बन गया। अब क्या मैं इस 12,500 से डिस्काउंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो सर, 2,50,000 से डिवाइड करके 100 में मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे ख्याल से 25.5% आ जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। चलिए आगे आ जाइए, जीरो कूपन बॉन्ड आर इशूड एट जीरो इंटरेस्ट रेट, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, या नन ऑफ द अबव। शून्य कूपन बॉन्ड जारी किए जाते हैं शून्य ब्याज दर पर, ब्याज की निश्चित दर पर, ब्याज की निश्चित निर्दिष्ट दर शामिल नहीं है,
या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुझे पता है आप जीरो कूपन बॉन्ड को आप जीरो इंटरेस्ट रेट ही करोगे, लेकिन वो तो आपका गलत हो जाएगा, फिक्स रेट होता नहीं है क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर होता है या बीआरआर पर होता है। नन ऑफ द अबव, हमारा कोई लेना देना है नहीं। तो एक ही आंसर आपके पास बचता है, डज नॉट कंटेन एनी स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। में कोई ज़्यादा खास स्पेसिफाइड रेट जो है इंटरेस्ट का वो शो नहीं किया हुआ होता है ना। आ जाइए आगे, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन डिबेंचर आफ्टर 1 ईयर इफ दीज आर इशूड एज कॉलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट द बैंक लोन। एक वर्ष के 6% मार्केट रेट, नो इंटरेस्ट, नन ऑफ दीज। एक वर्ष के बाद डिबेंचर पर कितना ब्याज दिया जाएगा यदि इन्हें बैंक ऋण के लिए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में जारी किया जाता है। देखिए, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है, डिबेंचर पर इंटरेस्ट पे किया जाएगा। यहाँ पर जो बात हो रही है वो डिबेंचर की बात हो रही है, ना कि कोलेट्रल सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने डिबेंचर्स लिए हैं उस पर तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, और वो किस रेट से देना पड़ेगा, आपको मार्केट रेट से ही देना पड़ेगा। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे आते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू इवन दो दे आर इशूड एट। यहाँ पर क्वेश्चन का खेल है, डिबेंचर्स पर ब्याज का भुगतान अंकित मूल्य पर किया जाता है, मतलब सम मूल्य पर किया जाता है, भले ही वो किसी पर भी मतलब चाहे वो डिस्काउंट पर इशू किए गए हों और चाहे वो प्रीमियम पर इशू किए गए हों। तो करेक्ट आंसर विल बी दिस, अगर इसमें ऑल होता तो वो भी नहीं आता, इसमें डिस्काउंट और प्रीमियम ही आएगा, ये ध्यान रखना। डिबेंचर रिप्रेजेंट द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी, द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, डायरेक्टर शेयर इन अ कंपनी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर्स किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, कंपनी के दीर्घकालिक उधार का, इक्विटी का, कंपनी के निदेशक के शेयर, या कंपनी का अल्पकालिक उधार, बताइए। तो अल्प, देखिए उधार होते ये तो तय है, लेकिन शेयर से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन हमारा फंसता है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए डिबेंचर हमारे हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं, 1 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, ये आपका दूसरा होमवर्क, अभी कमेंट करना है, वेट नहीं करना है, पॉज करो, कमेंट करो, तुरंत पता चलना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। चलिए कमेंट कीजिए, मैं ये क्वेश्चंस ना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, ठीक है? ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप बैठे हुए हो और आप ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से नहीं कर रहे हो। अच्छा, क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है अपना एमसीक्यू को, ऐसा नहीं है कि जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड, अब मैंने इसका कोई आंसर बता दिया तो बस हो गया, नहीं। कौन सा आंसर है, कौन सा आंसर नहीं होगा, उस आंसर क्यों नहीं होगा, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, तब जा करके आपका एमसीक्यू प्रॉपर होता है। तो फटाफट से इसका कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, आपने लाइक नहीं किया अभी तक, तुरंत लाइक करो, जल्दी से लाइक कर दो। ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न, कंपनी के परिसमापन पर डिबेंचर की मूल राशि वापस कर दी जाती है, फर्स्ट टू ऑल, लास्ट टू ऑल, बिफोर इक्विटी कैपिटल, आफ्टर इक्विटी। तो बच्चे कहेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल, गलत, जो डिबेंचर की राशि है वो हमेशा इक्विटी कैपिटल से पहले की जाती है, अगर ये नहीं होता तो फिर सबसे पहले, है ना। चलिए अभी करेक्ट आंसर वही है, परपीचुअल, बने रहना, सतत। तो सतत डिबेंचर्स किसे कहते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, नन ऑफ दीज, सुरक्षित, असुरक्षित, इनमें से कोई नहीं, है इररिडीमेबल डिबेंचर। वैसे आपको पता चल गया होगा सुरक्षित ये तो कुछ है ही नहीं, एक ही बचता है आपके पास इररिडीमेबल, जिन्हें कंपनी के पूरे जीवन काल में रीपेड नहीं किया जाता, है ना। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज ट्रीटेड एज, डिबेंचर पर जारी होने वाली हानि को किस रूप में माना जाएगा, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर्स, इंटेंजिबल एसेट, करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी, विविध व अमूर्त संपत्तियां या चालू दायित्व। तो आपको पता होगा तो ठीक है, देखिए इंटेंजिबल तो नहीं होता है, करंट भी नहीं होगा, लाइबिलिटी ये होती नहीं है, एसेट होती है ये तो तय है, तो एक ही बचता है आपके पास, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। क्या बनता है, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिबेंचर स्टॉक्स? डिबेंचर स्टॉक्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर डिस्टिंक्ट नंबर, इट मस्ट बी फुल्ली पेड, डिबेंचर स्टॉक्स कैन बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शन, या नन ऑफ द ऑप्शंस। डिबेंचर स्टॉक के बारे में निम्नलिखित में से क्या सच नहीं है? डिबेंचर स्टॉक को उनकी विशिष्ट संख्या से पहचाना जाता है, यह पूरी तरह से भुगतान किया जाना चाहिए, डिबेंचर स्टॉक्स को अंश में स्थानांतरित किया जा सकता है, इन विकल्पों में से कोई नहीं। अब यहाँ पर कुछ बच्चे जो हिंदी वाले, देखिए यही अंतर आ जाता है हिंदी और इंग्लिश का। अब जो बच्चे हैं कुछ, उनको ये लगेगा कि भाई डिबेंचर्स को तो रिडीम ट्रांसफर किया जा सकता है ना, लेकिन इसमें क्या पूछा है? नॉट पूछा है, नहीं, क्या नहीं है? ट्रू नहीं है। तो क्या ट्रू है भाई? फुल्ली पेड होते हैं, ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है, फुल्ली पेड ही होते हैं। डिबेंचर स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड इन टू फ्रैक्शन, हाँ जी, शेयर्स में तो उनको ट्रांसफर किया जा सकता है ना, नन ऑफ दो, ये कोई ऑप्शन नहीं होता, तो एक ही आंसर बचता है अब आपके पास। डिबेंचर स्टॉक को उनकी विशिष्ट संख्या से पहचाना जाता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बियरर डिबेंचर, ये एफ है। निम्न में से कौन सा वाहक डिबेंचर का करेक्टरिस्टिक विशेषता नहीं है? क्या है? नहीं है, नॉट। देयर ट्रांसफर रिक्वायर्स अ डीड ऑफ ट्रांसफर, दे आर ट्रीटेड एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, दे आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी, द इंटरेस्ट ऑन इट पेड टू द होल्डर इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटी। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें इसमें सही नजर आएंगी, क्या अच्छे, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, सही बात है, ट्रांसफरेबल होता है, सही बात है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटी होता है, सही बात है। तो एक ही करेक्टरिस्टिक्स मैच नहीं हो रहा है कि उनकी ट्रांसफरेबिलिटी के लिए डीड की रिक्वायरमेंट होती है। ज़्यादातर कंपनियों ने, क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं करती तो उनका डाटा भी नहीं होता है कंपनी के पास कि ये फलाना के हैं उसके, कोई भी व्यक्ति, मतलब कंपनी मेंटेन करती है लेकिन कंपनी को ये पता होता है कि ये डिबेंचर्स हैं, इतने डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है, तो वो कोई आइडेंटिटी क्रॉस वाइज, लेकिन हाँ जो डिबेंचर्स होल्डर्स वैसे हैं हमारे, जो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड है, उनके लिए आइडेंटिटी ज़रूरी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू 10% डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 20%, द फेस वैल्यू एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर आर इक्वल, द कैरिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर गेट्स रिड्यूस्ड ईच ईयर एट अ रेट ऑफ 20%, इशू प्राइस एंड द कैरिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर आर इक्वल, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन द डिबेंचर होल्डर विल बी पेड द इशू प्राइस। 20% की छूट पर जारी किए गए 10% डिबेंचर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ट्रू, अंकित मूल्य और डिबेंचर की वहन राशि बराबर है, डिबेंचर की वहन राशि प्रत्येक वर्ष 20% की दर से कम हो जाती है, निर्गम मूल्य मतलब इशू है ना, और डिबेंचर की वहन राशि बराबर है, शोधन के समय डिबेंचर धारक को निर्गम मूल्य का भुगतान किया जाएगा। तो यहां पर रिडम्पशन की तो बात कुछ हो ही नहीं रही है, तो ये तो गया, और यहां पर निर्गम मूल्य इशू प्राइस की भी बात नहीं हो रही है, और ना ही यहां पर कमी की कोई बात हो रही है, तो एक ही आंसर आपके पास बचता है, दैट इज डिस्काउंट ऑन लॉस, डिस्काउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू बी रिटन ऑफ विद इन आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इज शोन एज। बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीने के बाद या परिचालन चक्र की अवधि के बाद बट्टे खाते में डाले जाने वाले डिबेंचर पर हानि की छूट इस प्रकार दिखाई गई है, अदर करंट लाइबिलिटी, अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स, या नन ऑफ दीज, चालू दायित्व है ना, अन्य चालू संपत्तियां है ना, या अन्य गैर चालू संपत्तियां, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहली बात तो जो डिस्काउंट ऑन लॉस, डिस्काउंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है, वो पहली बात तो लायबिलिटी नहीं होता है, तो ये तो कट गया, ये दो तो कट गए। अब आपकी बचिया तो ये करंट होंगे या नॉन करंट होंगे, डिस्काउंट ऑन ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर,
आप जो डिबेंचर इशू कर रहे हो, क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो? नहीं, किसके लिए कर रहे हो? नॉन करंट के लिए। तो अगर ये एसेट भी होगी तो ये क्या ये करंट के लिए होगी? नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए हैं और आपको 20,000 का नुकसान हो रहा है, तो आप इस 20,000 को कितने साल, 5 साल में, तो इसका मतलब 4,000 रुपये आप हर साल क्या करोगे? राइट ऑफ करोगे। तो और कर कितने साल में रहे हो? 5 साल में। तो ये क्या आपका नॉन करंट एसेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टिक लगा दिया है क्या? मैंने टिक लगा देता हूँ। अदर नॉन करंट एसेट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट, द डिस्काउंट इज रिटन ऑफ। जब डिबेंचर छूट पर जारी किए जाते हैं तो छूट को बट्टे खाते में डाल दिया जाता है। आफ्टर डिबेंचर हैव बीन रिडीम्ड इन द ईयर व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डिबेंचर, या नन ऑफ दीज। डिबेंचर को भुनाए जाने के बाद, उस वर्ष में जब डिबेंचर जारी किए जाते हैं, डिबेंचर के जीवन काल के दौरान, या इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा क्या है, डिबेंचर पर जो छूट जारी की जाती है तो छूट को अपलिखित कब किया जाता है, राइट ऑफ कब किया जाता है? अभी जो हमने पहले बात करी थी वो बात करी थी जो छूट होती है उसको जो हम कंप्लीटली राइट ऑफ करते हैं वो कब करते हैं, वो तो कहाँ पर जाता है? तो हमने कहा था कि नॉन करंट एसेट्स में जाता है। अब करते कब है, तो कब करते हैं? जिस वक्त वो रिडीम होते हैं, जैसे 3 साल बाद रिडीम होंगे तो 3 साल बाद ही उन्हें क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। तो इन द ईयर व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड, क्लियर है बेटा? देखिए आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में किसी भी पॉइंट में कोई भी समस्या आ रही है ना, तो आप हमारे नंबर से कनेक्ट हो जाइए, और जिसके पास भी नंबर नहीं है वो कमेंट कीजिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा, और आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भाई सर हमें यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। ठीक है, बाकी आपके पास मेल है ही तो मेल के थ्रू भी आप कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपने अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए द अमाउंट, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ वीडियो पे लाइक नहीं आए हैं वीडियो पर लाइक कीजिए जल्दी से। द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इज रिटर्न टू द शेयर होल्डर एट, नहीं एक सेकेंड, द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न टू द होल्डर एट द एंड ऑफ, जो डिबेंचर की राशि होती है वो अंत में लौटा दी जाती है। प्री डिटरमाइंड मेच्योरिटी डेट, कंपनी करंट ईयर, या नन ऑफ द अबव। प्री डिटरमाइंड मेच्योरिटी पीरियड, भाई पहले से तय होता है कि 3 साल बाद आपका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा और उस वक्त आपको रीपेमेंट कर दिया जाएगा, है ना? तो ए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सेस वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ओवर परचेज कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, गुडविल अकाउंट, या नन ऑफ दीज। व्यवसाय की खरीद के समय खरीद विचार की तुलना में शुद्ध संपत्तियों का अतिरिक्त मूल्य, मतलब यह है कि एसेट ज्यादा है और परचेज कंसिडरेशन कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपका कैपिटल रिजर्व निकलता है। क्या निकलता है? कैपिटल रिजर्व। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, प्रॉफिट ऑन कैंसलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर इज ट्रांसफर्ड, जब आप अपने खुद के डिबेंचर्स को रद्द करके उसको जो हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर करते हो तो वो कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व अकाउंट, या नन ऑफ दिस। देखिए इसमें से मेरी बात ध्यान से समझिएगा, पूंजी आरक्षित, लाभानि मूल्यांकन खाता, ऋण शोधन संचय, इनमें से कोई नहीं, ये तो होते ही नहीं है हमारा, ये हो गया गलत। अब बचा है तो पूंजी आरक्षित, या इसका भी कोई लेना देना नहीं है, तो एक ही आंसर आपका बचता है ए, है ना? चलिए, द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर्ड, सिंकिंग फंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, या नन ऑफ दिस। निवेश की प्राप्ति के बाद डूबते हुए फंड निवेश खाते की राशि को किसमें स्थानांतरित करोगे? डूबते हुए निधि खाता,
लाभ हानि खाता, डिबेंचर खाता या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इनमें से कोई नहीं तो खत्म हो गया, डिबेंचर से कोई लेना देना नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में इसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो एक ही आंसर आपके पास बचा है तो ठीक है। चलिए, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज इश्यूड विदाउट इंटरेस्ट रेट, बिना इंटरेस्ट रेट के, एंड इश्यूड प्राइस इज देयर बाई डिस्काउंटेड, और जो इशू प्राइस है वो भी डिस्काउंटेड, सो द इशू ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलेंगे? देखिए, आप में से ज़्यादातर छूटते ही बोल दोगे सर जीरो कूपन बॉन्ड या डीप डिस्काउंट बॉन्ड, इन दोनों में से कोई एक ही बोलने वाले हो, लेकिन मज़े की बात यह है कि इन सभी को जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, ये इसके अल्टरनेटिव नेम है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड इज, राइट। चलिए, डिबेंचर्स पेबल टू अ होल्डर ऑफ सर्टिफिकेट इज कॉल्ड, इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। तीन क्वेश्चन हो गए, फटाफट करो। डिबेंचर्स कैन बी इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी, रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनीज एक्ट, नन ऑफ दीज। डिबेंचर कंपनी के डैश के तहत जारी किए जाते हैं, सामान्य मुहर, नियम विनिमय, सहकारी अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो डिबेंचर जो भी इशू किए जाते हैं वो कॉमन सील के अंडर में किए जाते हैं। देखिए, आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थ्योरेटिकल आपको डिटेल्ड और कॉन्सेप्ट और इस तरह से कराने के पीछे का जो मेन पर्पस है वो यही है, ताकि आपको किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है उसे फेस करने की ज़रूरत ना रहे, आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो बहुत स्मूथली और इफ़ेक्टिवली आप अपना जो पेपर है उसे आप कर लें। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो उसका एडवांटेज क्या होगा? उसका एडवांटेज ये होगा कि आपके लिए, है ना, आपके लिए अपने आप को मेरिट में रिजर्व करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उसका मेन पर्पस क्या है? यही तो है ना कि आप अपनी सीट को सिक्योर कर लो, और वो सिक्योर कब होगी? जब दो चीज़ें होंगी। कौन कौन सी? पहला तो जब आपने, जैसे मैंने आपको बोला, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन करी होगी, नोट्स बनाए होंगे, रिवीजन किया होगा, सेल्फ स्टडी की होगी, और डाउट्स पूछे होंगे। और हाँ, लेकिन ये आधा है, पूरा नहीं है। पूरा कब होगा? जब आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। रीज़न क्या है सर इसके पीछे का? देखिए, बड़ा मतलब स्पिरिचुअल रीजन है इसके पीछे का, या कुछ भी कह सकते हैं, कि जब तक आप अगर किसी व्यक्ति से पढ़ रहे हैं और उसकी आप गुरु दक्षिणा नहीं दे देते, है ना, तब तक वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता, है ना। तो ये आप मेरी गुरु दक्षिणा ही मानिए, और वैसे भी शेयर कर ही तो करना है, शेयर करने में कितना ही समय लगता है, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स या जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए, जिसको नीड होगी वो अपने आप आ जाएगा। अब आप मेरे से कनेक्ट हुए हैं तो मैं आपको ढूंढ के थोड़ी लाया हूँ, मैंने शेयर किया, आपको रिलेटेबल लगा, आप जुड़ गए, ऐसी परिवार बड़ा भी होता है। तो ये एक परिवार ही है और ये चैनल आप ही का है, तो इसको बड़ा कैसे करना है, इसको ग्रो कैसे करना है, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कैसे आ सकते हैं, इसकी चिंता करना आपका काम है, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें भी करते हैं फटाफट से। तो चलिए शुरू करते हैं, ये वाला हो गया है हमारा, ठीक है। टोटल 31 क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज, जो डिबेंचर खाते पर जारी किया जाता है छूट, उसको किस में दिखाया जाता है? फिक्टिशियस एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, या करंट लाइबिलिटी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये लाइबिलिटी तो होती नहीं है, तो ये तो गया। अब फिक्स एसेट्स से कोई लेना देना इसका है नहीं, भाई कोई संपत्ति वगैरह थोड़ा ही है, डिस्काउंट है तो सर वर्तमान नहीं, करंट भी नहीं होगा भाई, इसको आप लिक्विडेट थोड़ी कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो एक ही तो बचा है, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स, क्लियर। चलिए, इफ डिबेंचर्स परचेज इन ओपन मार्केट आर नॉट इमीडिएटली कैंसल्ड, अगर उन्हें इमीडिएटली कैंसल नहीं किया जाए तो उन्हें तुरंत रद्द ना किया जाए तो वो क्या कहलाएंगे, किस तरह से ट्रीट करेंगे? आपने ओपन मार्केट से परचेज तो कर ली, लेकिन आपने उन्हें तुरंत कैंसिल नहीं करे तो वो क्या बन जाएंगे? करंट एसेट बन जाएंगे? नहीं। लाइबिलिटी इससे कोई लेना देना नहीं है, कैपिटल ये होगी नहीं, तो एक ही चीज बची है तो आपके पास, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है।
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज एन इनकम एक्सपेंस एसेट या लाइबिलिटी। जो आपका सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट है वो तो आपके लिए एसेट ही तो होगा भाई, इन्वेस्टमेंट तो सारे एसेट ही होते हैं, बात तो सही है ना। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की। अब आगे देखिए, यहां पर सिंकिंग फंड किसका पार्ट है, तो बच्चे फिक्स एसेट्स कर देंगे जो गलत हो जाएगा, और ये होगा नहीं, ये दोनों हो जाएंगे गलत। तो अब आपके पास एक ही बचता है, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस। यहां पर आपके 31 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते हैं, जिसमें से शायद 4 क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, और लगभग लगभग 30 मिनट्स में ही हमने उन सब क्वेश्चंस को करा दी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के लगभग लगभग हमारा बराबर ही बैठा, क्योंकि 5 मिनट तो बीच में मैंने आपसे भी चर्चा बातचीत वगैरह कर ही लिया, तो 1 मिनट में हमने एक क्वेश्चन किया है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपके इनमें से तो 27 या 26 जितने भी थे उनमें से कितने आपके सही हुए, कमेंट करो। बाकी मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।